केस है. हाँ हाँ, केसी की मैं बात कर रही हूँ ना, जो प्रेजेंट कर रहा होता जी, है हाँ जी वो मैम, अपना केस सिनेरियो बता रहा होता है जी और मैम फिर मैं उसको बता रही लेके हूँ. चलता है। ठीक है। हाँ जी मैम, मैम जी। अ 37 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन ग्रेविडा टू पैरा वन एट 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद ट्विन गेस्टेशन कंप्लेन ऑफ लेफ्ट लेग स्वेलिंग एंड पेन फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 वीक. ठीक है। लेफ्ट लेग स्वेलिंग है फॉर 1 वीक। लेफ्ट लेग स्वेलिंग एंड पेन फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 वीक एंड शी इज ओके एट 30 वीक्स विद ट्विन गेस्टेशन. ओके, चलिए आगे चलिए। ये आपका है केस सिनेरियो। यस मैम, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड विल कंफर्म द डिटेल्स एंड आस्क मिसिंग डिटेल्स फ्रॉम हर बायोडाटा. आई विल आस्क ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स, एनी एसोसिएटेड रेडनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनी हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग रिसेंटली, एनी सर्जरी इन द प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल एडमिशन. I will ask her about her. Then I will ask her about her antenatal checkups, about her dating anomaly and recent scans done or not, and her routine baseline investigation. From her obstetrical history, I want to know her outcome of her previous pregnancy and mode of delivery, any antenatal intrapartum or postpartum complication. Then we'll ask her about her history of any rashes, joint pains, or any other chronic illness like cancer, heart disease, inflammatory bowel disease, any history of thromboembolism in her or in her family, any surgical history of smoking, any drug history, or drug allergy. स्पेसिफिकली व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स? मैम, इज शी टेकिंग एनी ब्लड थिनर और इज शी टेकिंग एनी ब्लड ओके, थिनर ठीक ऑलरेडी? है। मैम हिस्ट्री इज कंप्लीट. मैम मूविंग ऑन टू हर एग्जामिनेशन. अच्छा, ठीक है, चले एग्जामिनेशन पूरा करना। एग्जामिनेशन आई विल मूविंग ऑन टू हर एग्जामिनेशन. फ्रॉम हर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आई वॉन्ट टू नो द वेट ऑफ द पेशेंट, हर वाइटल्स, एंड विल डू हर ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन, एंड हर लेग एग्जामिनेशन. ऑन हर लेग एग्जामिनेशन आई विल लुक फॉर स्वेलिंग, रेडनेस, एंड temperature and tenderness, and will compare circumference of both legs, and will try and will elicit a palmar sign, which is dorsiflexion of the foot will lead to if will cause pain in the calf muscles. Then we'll do exam from her exam abdominal examination, inspection to look for any veins, pulsations, scar marks, and palpation I will look for symphysiofrontal height. As already mentioned, it is twin gestation. Then we'll look for multiple fetal parts, the lyre-like presentation, and fetal heart sounds of both the twins. And from ma'am, examination is complete. ओके, चलो यहाँ हम रुक के बाकियों से पूछते हैं। जी, आप जो बाकी हमारे ऑडियंस हैं, विल दे लाइक टू कमेंट ऑन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन? जी, जो हमारे बाकी सुनने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स बाकी, उनका इसके बारे में क्या ख्याल है? विल दे लाइक टू ऐड समथिंग इन मैम हिस्ट्री हिस्ट्री और इंजामिनेशन एंड? दोनों का बताना है? मैम जी, दोनों का ही बताइए। हिस्ट्री सेंट, हिस्ट्री ऑफ एनी लॉन्ग ट्रेवल, हिस्ट्री वो तो इन्होंने ऑफ पूछा था, एडमिशन इन हॉस्पिटल. अच्छा वो मैम भी आप आज पूछा कर था। चुकी हैं तो मैम. और मैम एनी रिसेंट इलनेस, हाई फॉर ग्रेड फीवर, एग्जाम्पल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आर थैलेसीमिया, आर सिकल सेल डिजीज इन द फैमिली, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव वॉमिटिंग नीड दैट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन और ओएचएसएस इन द इनिशियल, मतलब ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस. OHSS का क्या क्या इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में कहां से जिक्र है आएगा? तो वो टेम्पररी, है बिकॉज तो शी वो इज गिविंग टेम्पररी, हिस्ट्री ऑफ मतलब जस्ट इस 1 वीक। तरीके हाँ हाँ जी, से. नो मैम, इट इज द रिस्क फैक्टर फॉर इसमें वो डीबीटी, रेलिवेंट सो दैट्स नहीं है, हाउ आई इसमें वो कैन. रेलिवेंट नहीं है।
मैडम कार्डियक डिजीज, शॉकिंग जी। मैडम कार्डियक डिजीजेस, कार्डियक डिजीजेस, हाँ रीनल डिजीजेस, इनमें भी स्वेलिंग होती है, ये भी पूछे हम लोग। ठीक है। और जी, ये और मैम, और मैडम उसके अलावा हाँ जो है पेन और जो स्वेलिंग थी ना, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा और डिग आउट, जैसे ड्यूरेशन उन्होंने कहा था, प्रोग्रेशन, और जो पेन है उसकी साइट तो उन्होंने बताई कि यूनिलेटरल लेग में है, एसोसिएटेड रेडनेस, और उसके अलावा जो है लोअर एब्डोमिनल पेन या बैक की तरफ तो नहीं जाता, हाँ एसोसिएटेड यूटीआई है तो नहीं, हाँ उसको थोड़ा और ज्यादा एलोब्रेट ओके। एलोब्रेट बेसिकली करना हाउ इट था। स्टार्टेड, वाज इट मैडम सीरियस लोकलाइज्ड सिम्टम। और उसके अलावा अबे जो इन्होंने एग्जामिनेशन पे जो चीज थी वो इसमें बेसिकली वो एग्जामिनेशन पे इन्होंने वो स्वेलिंग और उसका सारा कुछ तो बता दिया, मैडम कैसे स्टार्ट लेकिन हुआ? हाँ जी लोकलाइज्ड है मैडम, स्वेलिंग कैसे स्टार्ट हुई? लोकलाइज्ड है, जनरलाइज्ड है, एसोसिएशंस इसकी क्या है? मैं वही कह रही हूँ ना कि हाउ इट स्टार्टेड, ये यस, वही मैं सवाल कर रही हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुई, इसका ऑनसेट कैसा था। तो ये वो जी चीज मैम। है जो कि हमें उससे पूछने की जरूरत होगी, वॉज इट और मैडम प्रिसीडेड बाय पास्ट सम हिस्ट्री, वेरिकोस वेन्स या नहीं, पहले किसी वेरिकोसिस की कभी स्वेलिंग कभी। हुई है? और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैडम एनी थ्रोम्बोलिक डिजीजेस इन हर सेफ वो एंड तो इन्होंने फैमिली, पूछा ओ था, सी? फैमिली हिस्ट्री का पूछा था। ठीक, ट्विंस प्रेगनेंसी, डज इट है, इज इट, विल यू काउंट इट एज अ रिस्क फैक्टर? यस मैम, यस हम्म, इसमें मैम हम यस ओवुलेशन मैम। इंडेक्स, प्रेशर, मतलब असिस्टेड एआर पूछेंगे। देखो इसमें ये एक डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर होता है ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड प्रेशर इफेक्ट्स, लेकिन उसमें अब जो हमारे पास डीवीटी का एक केस जो आ गया, अपेरेंटली हमें डीवीटी ही लग रहा है, अभी तक हमने उसको कंफर्म नहीं किया, देर कैन बी अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज वेल, बट अपेरेंटली बेस्ड ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स। तो इसमें हमने एक तो ये कि उसका कोर्स ऑफ द डिजीज, व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी सो फार, अभी तक का टाइम पीरियड उसका कैसा गुजरा, उसमें कोई ऐसे एंटीसीडेंट फैक्टर्स तो नहीं थे जो हम रिस्क फैक्टर्स में काउंट कर सके। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें हम उस डीवीटी का अपेरेंटली जो हमारा एक सस्पिशियन है उसकी वजह हमने देखनी होती है कि उसका रिस्क फैक्टर इस पेशेंट में मौजूद है या नहीं है। दो प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर एंड ट्विनिंग इज अनदर रिस्क फैक्टर, बट व्हाट अबाउट द अदर रिस्क फैक्टर्स? तो वो चीजें हैं जो इन्होंने काफी सारी तो पूछ ली ऑलमोस्ट, और लेकिन ये है कि एग्जामिनेशन पे जो है वो इसमें जो इन्होंने लेग एग्जामिन की उस पे क्लियरली साइंस, उसका कलर कैसा है, रेडनेस है या नहीं है, टेम्परेचर, स्वेलिंग, कितना साइज का फर्क है फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल लेग, फिर मैम मैंने पल्सिस ये फील पूछा है करना भी जरूरी होता है, पल्सिस को भी फील करना जरूरी होता है, कोई वेरिकोसिटीज हैं या नहीं है वो भी देखनी जरूरी होती है, बिकॉज ठीक वेरिकोस है। वेन्स इज अनदर रिस्क फैक्टर, क्योंकि वहां पे वीनस स्टेसिस ज्यादा हो रहा होता है। तो जो अपेरेंटली वो सारे रिस्क फैक्टर जो कोएगुलेबिलिटी को बढ़ा दें, जो वीनस स्टेटस को बढ़ा दें, उसकी मोबिलिटी, फिजिकल एक्टिविटी कैसी थी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, तो क्योंकि इमोबिलिटी इज अ रिस्क फैक्टर, और बाकी बीएमआई का तो इन्होंने पूछ लिया बिकॉज इन ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर, और ये सारी चीजें हैं जो इसमें एग्जामिनेशन में और इसमें हिस्ट्री में ऐड कर लेनी चाहिए, वो फिर उसमें वो मैम एक कॉम्प्रिहेंसिव वो हो जाएगा। जी अगर डीवीटी के साथ पेशेंट आए, तो हमने जैसे डॉक्टर हिरा ने पूछा था कि चेस्ट पेन तो नहीं है, तो हमने हाँ बाकी सिम्टम के सारे क्वेश्चंस रूल आउट करनी है, और यस एग्जामिनेशन पे भी वो सारे। हाँ, क्योंकि देखो डीवीटी के साथ बाज दफा पल्मरी एम्बोलिज्म भी एसोसिएटेड हो सकता है, दो ऑफ माइल्ड नेचर, अब पल्मरी एम्बोलिज्म की के बहुत सारे माइल्ड से लेकर स्वीर तक भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और इंस्टेंट डेथ वाली भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो माइल्ड होता है वो बाज दफा बहुत सारे सिम्टम्स उसके ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेगनेंसी के सिम्टम समझ के इग्नोर भी कर सकते हैं, माइल्ड डिस्निया है या इस तरह की कोई माइल्ड सी चेस्ट पेन है, ये सारी चीजें हैं जो उसपे हो सकती हैं, तो ये सिम्टम पूछना भी बनता है उसका, तो वो इन्होंने सही पूछा हीरा ने। तो लेकिन इसमें ये है कि जो हमने चीजें जो ऐड करनी थी इसमें एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री में वो हमें उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए। जी हीरा अब आगे चलिए, बहरहाल इसमें पल्सिस का फील करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, पॉपलिटियल फेमरल ये जो है, और अगर ये बिल्कुल उसका नीचे उसका काफ मसल्स तक भी है उसकी, तो फिर उसमें हमें बाकी वो सारी वेसल्स को भी देखना होता है, पल्सिस को देखना जरूरी होता है।
चले जी, अब आगे चले जी। हीरा, आई विल आस्क ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स. जिस ठीक है तरह मतलब मैंने सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब किया, मैंने इसको फर्दर नहीं जी, डिस्क्राइब किया बिल्कुल। जो, हाँ, मतलब ये है कि क्योंकि इसमें उसका जो ऑनसेट है ना, वो बड़ा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे अगर एक दो जमले हम एक्स्ट्रा भी बोल दें तो ठीक है, इट मेक्स इट्स ठीक है. वर्थ। तो वो जो है वो, क्योंकि इसका ऑनसेट जो है वो बाल दफा हमें, और प्रीसीडिंग इवेंट्स क्या थे, जैसे आपने ट्रेवलिंग का पूछ लिया, दैट इज अ थिंग, या उससे पहले उसको कोई डायरिया वॉमिटिंग तो नहीं रहा, वो भी आपने पूछ लिया, दैट इज ओके। तो ये, या उसकी कोई, अगर वो उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, वो भी एक उसका एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एंटीसीडेंट रिस्क फैक्टर्स, वो उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने में हर्ज कोई नहीं है, चलिए ठीक क्योंकि है. उसमें होता यह है कि जब आप एक रिस्क फैक्टर पे पहुंच जाते हैं, तो देन यू ट्राई टू मैनेज दैट रिस्क फैक्टर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर ट्रीटिंग द डिजीज इटसेल्फ। जी, अब आगे चलिए। मैम, मूविंग ऑन टू हर इन्वेस्टिगेशन, आई विल लाइक टू हैव हाँ सम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन एंड हर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस. फ्रॉम हर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, आई वांट टू नो हर ब्लड ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, कंप्लीट ब्लड काउंट फॉर हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड टीएलसी, हर वायरल सीरोलॉजी विच इंक्लूड्स हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन एंड एंटी हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज, एंड एनी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डन, और एनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अवेलेबल और नॉट. देन फ्रॉम हर यूरिन, आई वुड लाइक टू आस्क हर, आई वांट टू नो हर मिडस्ट्रीम यूरिन एनालिसिस विद डेट फॉर प्रोटीन, ल्यूकोसाइट एंड ग्लूकोज, एंड हर एंड फ्रॉम स्पेसिफिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, आई वांट टू नो हर कोगुलेशन प्रोफाइल, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लिवर फंक्शन टेस्ट. ओके, कोएगुलेशन एंड मूविंग ऑन टू हर प्रोफाइल में आप क्या कराओगे? मैम पीटी एपीटीटी, ओके, और पीटी एपीटीटी INR तो उससे कैलकुलेट हो जाएगा फिर. ओके ओके, चलो जी ठीक है आगे, क्योंकि प्लेटलेट मैम, आपको वैसे ही पता चल गए हैं। ठीक है, वो कंप्लीट ब्लड काउंट में पता हाँ चल गया ठीक है, मैम वही मुझे. मैं कह रही हूँ ना कि वो आपको उससे पता चल गए। चलो जी, ठीक अब है. आगे चलो। एंड फ्रॉम हर रूटीन बेसलाइन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, आई वांट टू नो हर डेटिंग स्कैन शोइंग CRL एंड नंबर ऑफ फीटेसेस एंड गेस्टेशनल एज, एंड हर एनोमली स्कैन शोइंग एनी एनोमली, एंड हर रूटीन स्कैन विच इंक्लूड्स हर फीटल बायोमेट्री ऑफ बोथ ट्विंस, बायपैरिटल डायमीटर फीमेल लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, गेस्टेशनल एज एंड एस्टिमेटेड फीटल वेट ऑफ बोथ ट्विंस, एंड लाई ऑफ बोथ ट्विंस एंड लाइकर एंड प्लेसेंटल लोकलाइजेशन एंड कोरियोनिसिटी. ओके, And from her specific radiological investigation, I want to know her compression duplex ultrasound. ठीक है। Ma'am, investigation is complete now. कंप्रेशन डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड जो है उसको थोड़ा सा जरा डिस्क्राइब कर दीजिए, ऑफ विच वेसल, और Of उसमें both क्या, legs, ma'am, both legs, ऑफ of बोथ both लेग्स। legs. अच्छा, लेग्स की भी तो डिफरेंट वेसल्स होती है ना। सिफेन करते हैं ना मैम. जी मैम एम्यूफेमोरल का हमें चाहिए था मैम. सिफेनियस सिफेनियस तो अब हमने डिपार्टमेंट में लिख के भेजना है कि हमें अल्ट्रासाउंड करके भेजें, जो कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड है वो करके भेजें, तो हम कहाँ का अल्ट्रासाउंड उनको कहेंगे? अब इस पेशेंट का, अगर ये रियल पेशेंट है, तो इसकी जो स्वेलिंग थी उसकी एक्सटेंट क्या थी? मैम रियल पेशेंट नहीं था. अब अच्छा ओके, पेशेंट ये मैं तो आपने खुद ही एक सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है, चलिए मैं यस बता मैम देती हूँ। इसमें जी. सपोज उसकी जो है, दैट इज काफ मसल्स एंड मिड थाई तक इसकी स्वेलिंग है, जी मैम. जो यूजुअल एक सिनेरियो होता है, काफ मसल्स और मिड थाई तक। मैम इसमें हमें पोपलीटियल और फेमरल का चाहिए होगा.
पॉप्लीटियल एंड फेमोरल आर्टरीज ठीक है दोनों फेमोरल का, वेन पे चलो। हाँ जी दोनों का ठीक है, बायलैटरली हाँ जी दोनों का हमने करना है। हाँ जी जी मैम। तो इसमें डू यू वांट टू एवेलुएट द पेल्विक वेसल्स एज वेल? यस मैम आई लेग भी उसमें ऐड करेंगे। यू विल ठीक है, क्योंकि इसमें बार दफा पेशेंट वेक कॉम्प्लेन के साथ होते हैं, बट समटाइम्स इट एक्सटेंड्स टू द पेल्विक वेसल्स एज वेल। ठीक है, अब इसमें अब इसकी रिपोर्ट मैं बता देती हूँ आपको। सपोज देर इज अ फेमरल वेसल थ्रोम्बस, मतलब उसमें बेसिकली रिड्यूस ब्लड फ्लो है इन द लेफ्ट फेमरल वेसल। ठीक है, तो अब इसकी जरा ट्रीटमेंट मुझे आगे बता दीजिए, और इसके अलावा कुछ टेस्ट आपने करवाना है और यू वांट टू कैरी ऑन विद दिस? जी हीरा, हेलो, हेलो जी, हीरा, हेलो हाँ मैम, जी, इसमें आई लेग वेसल्स का हम देखेंगे। अगर आई लेग वेसल्स ऑल राइट है तो फिर हमारा दैट्स इट एनफ, सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। ओके ओके। पेल्विक वेसल्स को इसीलिए मैं कह रही हूँ, पेल्विक वेसल्स को भी देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इस फाइंडिंग के साथ अब आपकी आगे कैसे ट्रीटमेंट चलेगी? अभी कोई और आपकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रह गई इसमें, और यू मैम वांट टू नहीं ऐड समथिंग मोर? मैम, इसमें डीवीटी का अगर केस हो तो उसमें तो और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला वो वाला केस है जिसमें हमने एक थ्रोम्बस आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, बाद दफा ऐसा होता है कि थ्रोम्बस आइडेंटिफाई आपको नहीं होता, बट क्लिनिकली ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स आर दैट ऑफ डीवीटी। ठीक है, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस अ सिंपल वन के जिसमें आपको फेमरल वेसल में, आपको लेफ्ट फेमरल वेसल जो है उसको, उसमें आपको थ्रोम्बस आइडेंटिफाई हो गया। जी मैम, जी मैम आई विल काउंसल द कपल रिगार्डिंग डायग्नोसिस दैट शी इज हैविंग ट्विन प्रेगनेंसी विद डीप वीनस थ्रोम्बोसिस ऑफ लेफ्ट फेमोरल वेसल एंड आई विल एंड विच इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी विच कैन लीड टू फेटल कॉम्प्लिकेशंस। आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विच इंक्लूड्स मी माइसेल्फ एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन अ फिजिशियन अ हिमाटोलॉजिस्ट एंड अ रेडियोलॉजिस्ट। आई विल स्टार्ट लो मोलेकुलर वेट हेपरिन अकॉर्डिंग टू हर बुकिंग बॉडी वेट और प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट से एंड इस पेशेंट का मैं वेट आपको बता देती हूँ। प्री प्रेगनेंसी जो बॉडी वेट था इसका, दैट वाज 65 kg। 65 kg। मैम इसमें नाउ 60 mg BD में भी दे सकते हैं और नाइनटी देयर एम जी इज अ डायग्नोस्ड डीवीटी इन दिस केस कैरिंग अ ट्विन प्रेगनेंसी एट 30 वीक्स। तो इसमें अब आपकी मैनेजमेंट कैसे, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम? ओके, एंड वॉट अबाउट द अदर थेरेपीज विच यू विल मैम, स्टार्ट राइट नाउ? मैम इसमें अकॉर्डिंग टू हर बॉडी वेट आई विल लाइक टू स्टार्ट लो मोलेकुलर वेट 60 mg BD एंड विल एडवाइस हर रिगार्डिंग कंप्रेशन एडवाइस हर अबाउट कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लेग एलिवेशन मोबिलाइजेशन एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन। ठीक है, ड्यूरिंग हर स्टे इन हॉस्पिटल विल डू हर फीटो मेटरनल सर्वेलेंस। व्हेन व्हेन यू विल काउंसिल, क्योंकि आपने इसकी काउंसलिंग में ये सारा कुछ बताना है कि अब ये डायग्नोज हो गया, और इसमें हम दूसरे डॉक्टरों को भी इन्वॉल्व करेंगे, बट लेकिन जो थेरेपी, हमारी जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो इन इन चीज़ों पे मुश्तमिल है, यानी हम आपको अब ये वाली चीज़ें शुरू कराएंगे। ठीक है, तो अब वो जो चीज़ें आपने शुरू करानी है, पेशेंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये जो क्लॉट बन चुका हुआ है क्या ये रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब जो यूजुअल एक क्वेश्चन होते हैं इन द माइंड ऑफ पेशेंट कि यस ये जो मैम क्लॉट बन गया है क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये जाके किसी और ऑर्गन में, बिकॉज द पेशेंट इज अ स्कूल टीचर, तो उसको तो ये पता है कि क्लॉट अगर है तो उसके बाद उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये सारे सवाल, देखो, काउंसलिंग को आप इतना सिंपली बाईपास नहीं कर सकते। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें यू ट्राई टू इन्वॉल्व द पेशेंट इन हर मैनेजमेंट, यानी वो एक स्टेक होल्डर है, इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। हम बाकी सारी चीजें एज इट इज नहीं स्टार्ट करते,
अनलेस कि हमने जी उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और उसका सारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसे शेयर कर ली हो, ओनली देन शी जी कैन बी अ पार्टनर इन सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। तो इसलिए जो है वो इसको काउंसलिंग में ये सारी चीजें बतानी है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसमें कब तक इंजेक्शन लगेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स। तो ये सारा कुछ आपने उसको बताना है। सो काउंसलिंग, अब जरूरी नहीं कि इसको सारा कुछ आप काउंसलिंग में, एग्जाम में, एक्सटेंडेड टॉक्स में ही ये बताओ कि मैं उसको ये भी बताऊंगी, बट जस्ट सिंपली कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस काउंसलिंग सेशन। कि इन द काउंसलिंग आई विल टेल हर द डायग्नोसिस जो हमने अभी तक उसका बनाया एंड द ऑनवर्ड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, और अगर ये इफ लेफ्ट अनट्रीटेड देन व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान, ये सारा कुछ आपने उसको बताना है। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल मैनेजमेंट, यू हैव स्टार्टेड विद द लो मॉलिक्यूलर वेट हेप्टिन अकॉर्डिंग टू हर बॉडी वेट टू बी 60 मिलीग्राम बीडी, विच इज अ थेरापेटिक सबकटेनियसली, डोज, यस मैम, ठीक है, विच इज अ थेरापेटिक डोज। यस अब मैम, उसमें जो आपने दी है उसके साथ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं और हाइड्रेशन लेवल को बेहतर कर दिया, विच आर अदर नॉन फार्माकोलॉजी, और उसके साथ इमोबिलाइजेशन लेग एलिवेशन एंड भी। एमोबिलाइजेशन, हाँ, तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये अब आप इसकी एक्यूट फेज ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक्यूट फेज ट्रीटमेंट मेंटेनेंस थेरेपी या प्रोफाइलेक्सिस से फर्क होती है, ठीक है। उसमें तो आपने, अगर वैसे हम देखें नॉन फार्माकोलॉजिकल जो प्रोफाइल एक्सिस होता है उसमें तो मोबिलाइजेशन भी शामिल है, बट इन दिस केस व्हाइल द थ्रोम्बस इज इनसाइड, तो आप उसको उसके डिसलॉजमेंट से बचाने के लिए आप उसको इमोबिलाइज भी कर रहे होते हैं। अब कंप्रेशन स्टॉकिंग का जो चीज है, इसको हम हेपरिन की तरफ दोबारा आते हैं। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग जो मैंने आपको एक्सटेंट बताई है उसकी, ये जो है स्वेलिंग की, उसके हिसाब से ये यस कंप्रेशन स्टॉकिंग के बारे में पेशेंट को कैसे गाइड करोगे? मैम, अप व्हाट टू यू विल द टेल था हर, व्हाट टू अप्लाई, कहाँ से लेके कहाँ तक, फॉर हाउ मच टाइम अ डे और इवन एट नाइट, ये सारा कुछ आपने इंस्ट्रक्शन उसको देनी है। मैम, इसके बारे में बता दें, मुझे नहीं पता किस तरह से जी, कितना टाइम। हीरा, मैम, इसके बारे में फिर बता दें, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि किस तरह से ये कितना टाइम। एनी वन अमंग द ऑडियंस, कोई और जो इसमें बताना चाहे, कोई और जो इसमें बताना चाहे? मैम, मैडम, जिस कंप्रेशन साइड पे स्टॉकिंग्स टाइट जो है वो है उससे ऊपर काफी हो, उससे ऊपर तक करें नहीं सर। है मैडम, मैम। जिस अब साइड पे है उससे ऊपर तक। ये ठीक है, इसमें बेसिकली मिड थाई तक तो है ही है इसकी एक्सटेंड, और ये बाकी जो है काफ मसल्स की है, तो हम हमेशा उसका जो लोअर मार्जिन है स्वेलिंग का और जो अपर मार्जिन है स्वेलिंग का, उससे ऊपर और लोअर मार्जिन से नीचे, यानी ये जो स्टॉकिंग्स हैं ये तकरीबन मिड सोल या बल्कि फिंगर्स के करीब से थोड़ा सा पीछे से लेके ये तकरीबन ग्रॉइन तक जाएगा, क्योंकि मिड थाई तक तो स्वेलिंग है, तो ये मिड थाई तक जाएगा। अब इसमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, अगर इसमें ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज ही मिलती है, इसमें जो कंप्रेशन स्टॉकिंग जो साइंटिफिकली बेस्ड जो बनाई जाती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें बकायदा प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, एंड विद द हाईएस्ट प्रेशर इन द काफ मसल्स, एंकल जॉइंट पे काफ मसल्स पे हाईएस्ट प्रेशर उसका होता है, जो तकरीबन 18 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी का होता है, 18 मिलीमीटर, जो कंटिन्यूअसली कंप्रेशन उसको अप्लाई कर रहा होता है, बिकॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द वीनस स्टेसिस एंड टू इम्प्रूव द वीनस फ्लो, ताकि उसमें वीनस स्टेसिस जो है वो एक रिस्क फैक्टर है फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन, तो ये जो है ये सारा इसको वो करता है। और दूसरा ये कि जो जो पोस्ट डीवीटी सीक्वल है उसको भी ये बचाता है, इवन इवन ये जब स्वेलिंग सबसाइड भी कर जाए, पेन सबसाइड भी कर जाए, इवन देन द पेशेंट हैज टू कंटिन्यू विद दिस। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वो होती हैं जिनके जो है वो इसमें आप उसको उसकी एक्सटेंट लिख के भेजते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, ये उस तरह की तकरीबन बनी हुई होती हैं, वरना ये अगर अगर ये सिर्फ काफ मसल तक होता, नी जॉइंट तक होता, तो फिर हम इसको मिड थाई तक देते। तो ये जो है ये इसको इस तरह से ये आपको इसका पता होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक, अब हाइड्रेशन स्टेटस उसके बारे में, वो तो नॉर्मल एवरेज चीजें हैं।
नाउ कमिंग बैक टू द हेपरिन, हेपरिन की आपने डोज बताई 60 मिलीग्राम सबकुटेनियस, फॉर हाउ लॉन्ग? जी हीरा जी, डॉक्टर हीरा। हाँ जी मैम व्हेन वी स्टार्ट थेरेप्यूटिक डोज ऑफ हेपरिन इट शुड बी हाँ कंटिन्यूड एटलीस्ट फॉर से 3 months और इफ और एंड और 6 weeks पोस्टपार्टम यानी इसमें इसमें ये है कि लाइक अगर सिक्स वीक्स पोस्टपार्टम तो हमने देनी देनी होती है लेकिन अगर अगर 3 months हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे होते तो हमने 3 months कंप्लीट करने होते हैं लाइक अगर टर्म के इनके मिनिमम नियर टाइम हमारा पीरियड है। हाँ जी अगर सो यू विल कंटिन्यू विद द थेरापेटिक डोज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ऐसा ही है? यस मैम अभी 30 वीक्स पे हुई है ना, सो हाँ शी जी हैज ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 10 वीक्स, 10 वीक्स तकरीबन 2.5 मंथ्स बनते हैं, और 6 वीक्स उसके मिला के 3 मंथ्स बन ही जाते हैं। तो मैम इसके केस हाँ डिपेंड जी करता है कि अगर वो ट्विन गेस्टेशन के साथ है तो वो फिर अकॉर्डिंग टू द कोरियोनिसिटी उसका हम प्लान करेंगे कि डिलीवरी किस टाइम की है ना तो फिर उसके हिसाब से भी थोड़ा सा हाँ पीछे आ जाता है ठीक है, इसका मतलब है थेराप्यूटिक डोज में ये चल रही है, ठीक है यस मैम थेराप्यूटिक, क्योंकि इसमें चूंकि एक इंसिडेंट हो गया उसका डीबीटी का, तो अब इसने जी थेराप्यूटिक डोज को कंटिन्यू करना है थ्रू आउट द होल प्रेगनेंसी। अब यस वेन टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड देयर आफ्टर व्हाइल द पेशेंट इज ऑन थेराप्यूटिक डोज ऑफ दिस हेपरिन। मैम व्हाइल द पेशेंट इज ऑन थेरेप्यूटिक डोज ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल स्टे एज शी इज एट 30 वीक्स इफ माय पेशेंट इज कंप्लाइंट एंड इफ शी इज एजुकेटेड देन एंड लुकिंग एट हर डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल आई विल गाइड हर कि आई विल गिव हर द ऑप्शन इफ शी कैन सेल्फ इंजेक्ट द हेपरिन हरसेल्फ शी कैन गो होम आफ्टर ठीक है स्टेबलाइजेशन ऑफ हर देन विल फॉलो विल गिव हर फॉलो अप विजिट्स ऑन वीकली बेसिस मैम ठीक है। फॉर अब इसकी फॉलो मॉनिटरिंग अप कैसे करोगे कि इसका इफेक्ट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ ड्रग, जैसे हम हाइपरटेंसिव के एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं तो बीपी को मॉनिटर करते हैं, एंटी डायबिटिक देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। अब हमने एंटी कोएगुलेशन दी है तो अब हम इसको मॉनिटर कैसे करेंगे? मैम इसके सिम्टम्स ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि एज लो मॉलिक्यूलर वेट की लैब मॉनिटरिंग करने की एज सच नीड नहीं होती लेकिन जो बेस लाइन, अब इसमें ये देखना कि आपको ऑप्टिमम इफेक्ट उससे मिला या ना मिला, हाउ यू विल अचीव दैट, उसको कैसे मॉनिटर करोगे? मैम उसमें उसके सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे उसकी स्वेलिंग का सब्साइड होना शुरू हो ठीक है, जाएगी स्वेलिंग वो सिम्टम्स एक चीज है, बट योर योर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव एन इफेक्टिव एंटी कोएगुलेशन एट द सेम टाइम, ठीक है, मैम क्योंकि रिपीट एक दफा कराएंगे हमको रेडियोलॉजी ये हाँ रेडियोलॉजी ये स्कैन रिपीट कराएंगे ब्लड रेडियोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड इज अनदर थिंग, ठीक है, जो इमेजिंग स्टडीज हैं, जो अल्ट्रासाउंड है, वो भी एक चीज है, लेकिन क्या इसमें आप एपीटीटी रिपीट करना चाहोगे? नॉट नेसेसरीली द एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो कि इसका बेसिकली सबस्ट्रेट होता है, लेकिन इसमें आप एपीटीटी के साथ उसको मॉनिटर करना चाहोगे या जरूरी नहीं है वो भी? नहीं जरूरी सपोज हर इनिशियल INR वाज 1, तो उसमें जरूरत है रिपीट करने की INR को या APTT की? एपीटीटी तो अनफ्रैक्चनेटेड हेपरिन के लिए नहीं हम मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के लिए ठीक है, तो उसका उसका फैक्टर टेन एज है इट इज मॉनिटरिंग नहीं होती, लेकिन ये है कि इसको ज्यादा मतलब आप इसको इन टेस्टों के साथ नहीं करते, दैट इज व्हाई इट इज सेफ टू गिव एट होम। हम मरीज को जब डिस्चार्ज करते हैं उसको ये सारी इंस्ट्रक्शन देके, तो शी कैन कंटिन्यू द ट्रीटमेंट इवन एट होम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें अब आगे चलें, इसमें अब जो है वो अब हमने कहाँ तक इसको लेके जाना, मैम डिलीवरी टाइम? मोड ऑफ डिलीवरी विल बी हाँ जी, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हर डिलीवरी, और सपोज देयर इज मैम नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वजाइनल डिलीवरी,
मोड ऑफ डिलीवरी विल बी माय मोड ऑफ डिलीवरी इज वजाइनल डिलीवरी एंड द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी विल अगेन डिपेंड अपॉन द कोरियोनिसिटी एंड एमनियोनिसिटी इफ डायएमनियोटिक डाई डाइकोरियोनिक है, डायएमनियोटिक डाइकोरियोनिक है। 36 माय प्लान इज टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी टिल 37 वीक्स प्रोवाइडेड फीटल एंड मेटरनल इम्प्लीकेशंस मे रिमेन स्टेबल. एंड यू विल गो टिल 37 वीक्स, देन व्हाट व्हाट देयर आफ्टर, उसके बाद मैम कैसे होगी? इफ पेशेंट वेंट इनटू लेबर देन बिफोर आई विल एडवाइस माय पेशेंट इन केस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी टू नॉट सेल्फ इंजेक्ट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन वंस इन एस्टैब्लिश लेबर इन केस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी और इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन इन केस ऑफ प्लान डिलीवरी लाइक सिजेरियन सेक्शन और इंडक्शन ऑफ लेबर then I will ask I will not I will guide my patient to not self inject 24 hours before induction of labor or cesarean section. Okay, what you will prefer in this case, scheduled delivery, planned delivery, or spontaneous? You will wait for the spontaneous delivery. A Ma'am, patient who is on therapeutic anticoagulation and is having a twin pregnancy. I will prefer planned delivery, induction of labor if there is Planned no delivery contraindication. Yes, ma'am. at 37 weeks. Yes, ma'am. Before 24 hours before induction of labor, I will guide my patient to not inject low molecular weight heparin. And during labor, I will manage labor. I will manage her. I will do her monitoring, her vitals and. And will be on full dilatation. I will shift her to delivery suite, and there will be will manage her active stage active management of the will do active management of third stage of labor, and will be vigilant for PPH. अब And इसमें चले after बताइए। delivery if अगर मतलब कोई रीजनल एनेस्थीसिया नहीं लिया पेशेंट ने तो ओके, देन अब इसमें विल एक सिनेरियो ये तो था आपका, एक प्लान्ड जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ था कि इसको मैं 37 पे इंड्यूस कर दूंगी, बट व्हाट इफ शी गोज इनटू लेबर एट 36 वीक्स? ट्विंस हैं, उसमें जा तो सकती है लेबर में। यस मैम मैम उस केस में अगर 36 वीक्स पे लेबर में चली जाती है हो तो सकता है ना मैम ट्विंस के उसका साथ। मैम इस केस में हम रिवर्सल देंगे उसका सल्फेट इसका को रिवर्सल क्या होगा? प्रोटामिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का रिवर्सल क्या होता है? मैम प्रोटामिन नहीं, देखो, प्रोटामिन सल्फेट सिर्फ पार्शियल रिवर्सल करता है, तकरीबन 60% ऑफ केसेस में 60% उसका रिवर्सल होता है। लेकिन जब अगर ऐसी कोई एक्यूट सिचुएशन हो जाए कि वाइल द पेशेंट हैज जस्ट रिसीव्ड अ डोज ऑफ थेरापेटिक जो हम दे रहे हैं उसको, एंड शी गोज इन टू लेबर, तो बहुत कम टाइम होता है। पेशेंट बाद दफा बड़ी जल्दी प्रोग्रेस भी करता है, ग्रेविडा 3 है, पैरा 1 है, प्रीवियस इसकी नॉर्मल डिलीवरी है, कुछ पता तो नहीं कि कितना जल्दी हो जाए। सो FFP शुड बी गिवन प्रेफरेबली, क्योंकि प्रोटामिन सल्फेट का मैंने बताया ना कि पार्शियल इसका इफेक्ट होता है, एंड FFP इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अदरवाइज जो आप प्लान डिलीवरी कर रहे हो वो थेरापूटिक एंटी कोएगुलेशन के साथ एक प्रेफरेबल चॉइस है, रादर देन वेटिंग फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ डिलीवरी। एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव अ प्लान फॉर स्पॉन्टेनियस, या पेशेंट के साथ जाहिर है डेफिनेटली आपने ये डिस्कस करना होता है कि इसमें हमारा जो प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरिंग हर विल बी दिस, कि हम इलेक्टिव इसमें वो इंडक्शन करेंगे एट 37, बट सपोज शी डिनाइज दैट एंड शी वॉन्ट्स टू गो इन टू स्पॉन्टेनियस लेबर एंड शी वॉन्ट्स टू वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर, then the better strategy would be to switch it on to the ultrafractionate heparin, जो हमारी आम जो रूटीन की हेपरिन होती है, because that will be given for a short time only, तो उसके जो long term consequences हैं या complications हैं वो उस तरह से नहीं होती, क्योंकि उसका reversal, उसकी half life ज्यादा बेहतर है as compared to this low molecular weight heparin।
तो ये फिर हम ऐसे पेशेंट्स में 36 वीक्स पे कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन होती है, ठीक है। तो दैट इज अनदर थिंग। और अगर फर्ज किया लामहाला ये इसी के साथ चली जाती है तो फिर FFP दो और प्रोटामिन सल्फेट भी हम दे सकते हैं, बट यू विल नॉट रिलाई ऑन प्रोटामिन सल्फेट फॉर द कंप्लीट रिवर्सल। तो ठीक है, अब इसको हमने ये तो बात कर ली कि अब ये जो है वो 6 वीक्स हमने बाद में देना है, उसमें कोई मसला नहीं है डिलीवरी के। फिर आप कितनी देर बाद शुरू करोगे ये क्लैक्सिन, ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन? मैम, अगर स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया नहीं दिया तो 4 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी हम स्टार्ट करते हैं, 4 to 6 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी। इट्स बेटर टू स्टार्ट आफ्टर 12 आवर्स, 24 घंटे पहले, क्योंकि थेरापीडिक डोज में आप दे रहे हैं ना, 24 घंटे पहले बंद कर दें, 12 घंटे हाँ बाद शुरू कर लें, ठीक है। ठीक मतलब है। अगर चेड नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम 6 आवर्स का वो टाइम पीरियड देते हैं, लेकिन थेरापीटिक डोज के साथ जो है वो ज्यादा बेहतर सिनेरियो यही होता है। क्योंकि देखो इसमें इसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई कोमॉर्बिडिटी अदरवाइज नहीं है, एक्सेप्ट कि इस दफा ट्विंस थे और इसका जो है वो उस वजह से ही हो गया। दो इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के अंदर डीबीटी होता है वो ज्यादा मसले वाली बात होती है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एक्चुअल स्टेटस के मुताबिक ये क्लिनिकल बेस्ड डायग्नोसिस होता है। यही वजह है कि ये 6 से 12 घंटे वाला जो वक्फा है इसकी एक रेंज रखी जाती है कि उस पेशेंट के, ये केस टू केस वेरी करता है। किसी में हो सकता है हम 6 घंटे बाद ही शुरू कर लें, लेकिन उसमें हो सकता है किसी में हमें 12 घंटे बाद भी करना पड़े। वो कोई पीपीएच हुआ या ना हुआ, उस वक्त क्या सिचुएशन है, एपिड्यूरल लगा या नहीं लगा, तो बहुत सारी चीजों पे ये बेस करेगा। अब एक और इसमें जो है वो फर्ज किया पेशेंट हमारे पास जो यूजल जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आते हैं दे आर नॉट दैट अफोर्डिंग, और पेशेंट क्लैक्सिन का आपको पता है इंजेक्शन कितने का आता है, एनी आइडिया? और बार दफा मिलता भी नहीं है। क्लैक्सिन के एक इंजेक्शन की क्या प्राइस है? कम आइडिया अज कम ये मेरा ख्याल है कोई 800-900 तक का तो मिलता है। 800-900 तक का एक आम बंदा सोचो, अगर ये दिन में 2 दफा भी लगाए तो ये 2,000 का खर्चा पर डे और 60,000 का खर्चा पर मंथ। और इसने अभी तक कम से कम 3 महीने ये लेना है, तो कैन शी अफोर्ड टू हैव दैट? नॉट अ नॉर्मल पर्सन, मैम, इसके बाद इसको ऑप्शन एवरेज। मैम इसके तो बाद इसको इसमें ऑप्शन हम ऑप्शन करते हैं हमेशा कंसिडर, हमेशा देना। ऑप्शन इसमें कंसिडर की जाती हैं। और एक्यूट फेज, अब ये एक्यूट फेज में हमारे पास आई थी, सो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस एंड व्हाट विल बी इट्स डोज? क्योंकि ये आपको जो एक होता है ना रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स एरियाज या पॉपुलेशन जो है उसमें आपको ऑल्टरनेटिव्स का जरूर पता होना चाहिए। ये तो हमने डिस्कस की, एक आइडियल मैनेजमेंट आइडियल ड्रग के साथ हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये है कि एक्चुअली हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे होते हैं, और ये हमेशा ऑप्शंस रखी जाती हैं जो भी गाइडलाइन कहीं की भी बनी हुई हो, किसी की किसी भी कंट्री की बनी हुई हो, तो उसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस होती हैं उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिहाज से हमेशा एक ऑप्शन रखी जाती है ऑल्टरनेटली। तो इसमें क्या होगी, अनफ्रेक्शनेटेड हेपरिन हम यूज कर सकते हैं, वो उसकी उसको कोई अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो उसको हमने प्रिपेयर कि करना मच होता है। मोर चीपर देन दिस। अब उसके जाहिर प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली जरा फर्क होते हैं, तो लेकिन ये है कि जहां पे कॉस्ट वाली, जाहिर पेशेंट अगर नहीं लगाएगा तो हमें वो पर्पज ही अचीव नहीं होता, सो इट्स बेटर टू स्विच ऑन टू अ चीपर थेरेपी जो कि हम पेशेंट ऐसे को दे सकते हैं। तो हेपरिन जो है वो फिर हम इसको इस एक्यूट फेज में किस डोज में देंगे? मैम इसका 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होता ये मिलीग्राम में नहीं, ये यूनिट्स में आता है। मिलीग्राम तो वो है ना जो ये है आपकी जो बाकी लो मॉलिक्यूलर वेट है अपनी ना, इसमें तो यूनिट्स होते हैं। हेपरिन की एक्यूट फेस मैनेजमेंट और मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या है एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू? एनीवन एल्स? देखो जिसको भी पता हो ना वो जवाब दे सकता है। मैम। इनिशियल जो है वो 80 यूनिट पर केजी। 80 यूनिट्स पर केजी,
और हाँ, देन तो इन्फ्यूजन एक 60 एजेंट, किलो की पेशेंट का कितना बना? 80 यूनिट पर केजी, मैं 4800 बन जाता है इसका, अगर 80 यूनिट्स के हिसाब से देखें। वो तो लोडिंग डोज फोर्टी देंगे ना एट 80 यूनिट्स पर? ये लोडिंग होगी। हाँ, हाँ मतलब ये तो हाँ ये लोडिंग लोडिंग होती है। हाँ लोडिंग डोज जी बेसिकली, ये वही 5,000 ही बन जाती हाँ है। लेकिन जो एक्यूट फेज ट्रीटमेंट है उसमें हमेशा जो आप स्टार्ट करते हैं, जो तकरीबन 7 डेज तक चलती है, वो ऑलमोस्ट 35 to 40,000 यूनिट्स पर डे होती है, पर 24 आवर्स होती है, जो 7 दिन चलती होती है। एंड देन द पेशेंट इज स्विच्ड ऑन टू द मेंटेनेंस थेरेपी, उसमें वही डोज इसकी आखिर तक नहीं चलती। सो द हेयर द सिचुएशन विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट विद द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। तो इसमें जो है वो एक्यूट फेज ट्रीटमेंट को आप देके, तो इसको, और इसको कुछ कंडीशन जिसमें अगर माइल्ड सा बाज दफा होता है तो उसमें हम 24,000 भी हम दे सकते हैं पर 24 आवर्स, यानी ये बनेंगे 6,000 एवरी 6 आवरली। अब जो इसमें ये हम देते हैं फॉर ए 1 वीक, और यही ट्रीटमेंट है फॉर एक्यूट फेस पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये इस एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हमेशा इसी से ट्रीट किया जाता है, हेपरिन के साथ ही, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के साथ। तो इसको इसको जो है वो इस ये डोज इसकी भी बनती है और एक्यूट फेस डीबीटी की भी बनती है। यही डोज 7 दिन ये दें, फिर उसको मेंटेनेंस पे डाल दें। अब ये जो एक्यूट फेस होगी ये इंट्रावेनस लगेगी, लेकिन जो हम मेंटेनेंस देंगे वो सब कुटेनियस होगी, 5,000 यूनिट्स पर 12 आवर। इसको हम सुबह शाम लगाते हैं, 5,000 यूनिट्स 12 आवर। और यही चीज है जो हम जो प्रोफाइल एक्सिस के लिए है वो भी इसी डोज में दिया जाता है, 5,000 यूनिट्स 12 आवर। तो ये इसको बस ये, क्योंकि ये 7 दिन दे के फिर आपने इसको टिल डिलीवरी जो है वो इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। और इसमें बाकी ठीक जो है। प्लान या जी, मैम इसमें भी हाँ, एपीटीटी इसमें की जो जाहिर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, देखो जब आप स्टार्ट ही करते हैं ना एक्यूट फेज की ट्रीटमेंट, तो एपीटीटी आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ता है। तो एपीटीटी जो जो पहले तकरीबन आपका होता है, जो पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, उसके बाद हर हफ्ते करवा सकते हैं। तो इसमें 7 प्लेटलेट काउंट, क्योंकि ये थ्रोम्बोहेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो हो सकता है इसके साथ, ज्यादा इसके साथ, लेस विद द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, तो वो मॉनिटर करें और एपीटीटी मॉनिटर करें। अब जी एक पेशेंट फर्स्ट किया, किसी वक्त बाज दफा इवन हेपरिन, जैसे पिछले कुछ दिनों में या जैसे कोविड के दिनों में हेपरिन भी नहीं मिलती थी, क्लेक्सिन भी नहीं मिलता था। व्हाट कैन बी द अदर ऑप्शंस व्हिच कैन बी सेफली गिवन टू दिस पेशेंट एट दिस जेस्टेशन? सकते, हाँ, वारफेरिन हम और किस कंडीशन में देते हैं? मैम हार्ट, वल्वर हाँ, हार्ट अब देखो के जो पेशेंट्स को प्रोस्थेटिक देते कार्डियक वेल्व रिप्लेसमेंट होती है हैं। उसमें पेशेंट को हम, ये नहीं होता कि पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, अगर ये एक ऑप्शन होती है हमारे पास कि पेशेंट जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे थ्रू आउट रहे इन द प्रेगनेंसी। वारफेरिन का पहले 3 महीने ही ज्यादा मसला होता है ना कि एम्ब्रियोपैथी ना कर दे, लेकिन इसके बाद इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर टिल 36 वीक्स दिस इज एन ऑप्शन बट द लीस्ट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसके साथ जरा फीटल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती है हेपरिन के साथ, अगर चे हेपरिन क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटा को, इस वजह से ये फीटल कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, फीटल यानी फीटल हैमरेज नहीं करता हेपरिन जो है, वो प्लेसेंटल हैमरेज कर सकता है, पीपीएच कर सकता है, एपीएच कर सकता है, लेकिन फीटल हैमरेज नहीं कर सकता। तो ये वारफेरिन चूंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, बच्चे में जाती है, तो बच्चे में हेमरेजिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, इंट्रासेरिब्रल हेमरेजिस। तो यही वजह है कि इसको कभी भी एज अ फर्स्ट चॉइस या नॉट इवन एज अ सेकंड चॉइस भी नहीं किया जाता, लेकिन जब आपके पास और कोई हल ना हो और देनी भी बहुत जरूरी हो देन यू हैव टू कीप इट, तो वो भी एक थर्ड ऑप्शन है, या उन जगहों पे या उन कंट्रीज में या उन पेशेंट के लिए जब ये अवेलेबल ना हो या पेशेंट अफोर्ड ना कर सके, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है यही रह जाती है। अब इतना अरसा इस पेशेंट को हॉस्पिटल में रखोगे, 30 वीक्स है अभी, मैम इसको सो हॉस्पिटल, 37 वीक्स, 37 वीक्स तक कभी कम से कम 2 महीने तो बाकी हैं।
वो तो और मैम इस पे इमोबिलाइजेशन उसकी हो जाएगी। मैम इस पे इसको सेल्फ इंजेक्शन की टेक्निक बताएंगे ड्यूरिंग हर स्टे इन हॉस्पिटल, और कैलकुलेट फिर उसको कैसे स्पोजल करना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है सबकुटेनियस ऑफ, उसको या उसके अटेंडेंट को, ठीक है। और उसके और हॉस्पिटल ठीक है में जैसे बताओ, टर्शरी केयर सेटअप में हमारे पास अवेलेबल होती है लो मॉलिक्युलर वेट हेपरिन, उसके ठीक है। पता डिपेंडिंग ऑन द हर मरीज तो डिस्टेंस। टर्शरी केयर तक नहीं ना जा सकता, वो चला जाएगा और उसके बाद फिर हो सकता है वो कहीं दूर से आई हो, वो अपने इस मसले के लिए भी आपको आके दिखा दिया, वो आती है कहीं से दूर से, साहिवाल से या इवन कहीं से भी, मियांवाली से या इस तरह के इलाकों से, वो वापस तो अपने इलाके नहीं जाएगी। सो शी हैज टू कंसल्ट अ नियर बाई फैसिलिटी सेंटर, हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर। तो लेकिन आप पूरा प्लान लिख के भेजते हो और उसमें पेशेंट को वार्निंग साइन सिम्टम्स का बताते हो, उसको मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ दैट वो बताते हो, एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर बेबी मूवमेंट और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स जो आप इसको, और उसको जरूर कहते हैं कि अपने नियर बाई एरिया में एंटीनेटल जरूर करवाती रहे। बट इफ शी डेवलप्स एनी प्रॉब्लम देयर आफ्टर आफ्टर बींग डिस्चार्ज, तो फिर देन शी कैन कम्स टू यू, क्योंकि कुछ कंडीशन जिसमें फिर एडमिशन जरूरी होता है वो ही है जो हम जिसपे आमतौर पे भी मरीजों को एडमिट कर लेते हैं। और इफ देयर आर सम एडिशनल रिस्क फैक्टर फॉर दिस थ्रोम्बस, पेशेंट की बहुत मार्क्ड ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, एपीएलएस पॉजिटिव है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फिर हमने उसको अपने पास एडमिट रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब इसमें डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं। ये तो था एक सिंपल सा सिनेरियो जिसको फर्स्ट एपिसोड हुआ ऑफ डीबीटी, और उसके बाद हमने उसकी मैनेजमेंट कर दी बाय डिफरेंट रजीम, हमने इसकी डिस्कस कर ली। नाउ सपोज द पेशेंट हैड सिमिलर एपिसोड ऑफ डीबीटी एट अराउंड 32 वीक्स इन द लास्ट प्रेगनेंसी, व्हेन यू एवेलुएटेड हर पास्ट हिस्ट्री, तो उसने बताया कि कैसा ही मसला मुझे पिछली दफा भी हुआ था, टांग में क्लॉट आ गया था और उसपे मुझे इंजेक्शन लगे थे विच वर कंटिन्यूड थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड देन इन द पोस्ट नेटल पीरियड। तो उसमें अब आपके पास ये आती है इन द अर्ली प्रेगनेंसी या चलो इस टाइम पे भी आ गई, अगर यही वाली पेशेंट, इसी पेशेंट के साथ हम कुछ और सिनेरियो ऐड कर लेते हैं, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे विद द पास्ट हिस्ट्री, मैम और इसमें कोई भी हम वजह नहीं स्टार्ट है मैम। मैम इसमें भी हम स्टार्ट कर देंगे प्रोफाइलेक्टिक डोज प्रीवियस प्रेगनेंसी के बेस क्योंकि पे। जो हम रिकरेंट है ना, आइडियली रिकरेंट, हाँ ठीक है ठीक आइडियली है। पेशेंट अगर तो ये स्वेलिंग के साथ आई है तो फिर तो थेरेप्यूटिक डोज स्टार्ट होगी। अगर स्टार्ट नहीं ऑफ ये द वैसे ही प्रेगनेंसी आई है कि मुझे पिछली दफा ऐसा हुआ था, तो अब जो है वो अगर आई हमारे पास लेट है, लेकिन अभी ट्विन्स है और वो सारा, तो उसमें उसमें फिर हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस और थेरापीटिक। मैम अभी तो इसको एक एपिसोड हुई है तो इसमें हम प्रोफाइलेक्टिक डोज ऐड नहीं करेंगे प्रोफाइलेक्सिस ही करेंगे, ठीक है। तो जी। प्रोफाइलेक्सिस हम लो डोज में देंगे कि हाई डोज में देंगे, डोपमेंट्स मैम इसमें होती है, लो डोज होती है कम देते हैं, हाई डोज होती है जो हम बीडी में देते हैं, इवन प्रोफाइलेक्सिस में भी ये दो डोजेस होती हैं। हाई हाई स्टैंडर्ड इसमें डोज हम देंगे, रेगुलर हाई डोज में देंगे, रेगुलर डोज में देंगे। होगा, डोज मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट वंस अ डे, ऐसा ही है ना, यस मैम। ठीक है। इसमें ये इसकी रेगुलर या स्टैंडर्ड डोज है मैम इसमें आपने। हाँ जी तीन कंडीशंस होती है ना जिसमें हमने हाई डोज में देनी होती है। एक फैक्टर 10 थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी जो होती है, रिक्रेंट हाँ, वीटी की अगर लेकिन हिस्ट्री हो इसमें तो और कोई ऐसी एपीएलएस। फैमिली हिस्ट्री हाँ नहीं जी है, अब इसमें हाँ दोबारा जी से हो गया, इसमें हम दोबारा से हो प्रोफाइलेक्टिक गया, डोज तो देंगे। हाँ जी इसमें ये डिसाइड करने से पहले कि हमने इसको नॉर्मल डोज देनी है या हाई डोज देनी है, क्या हम उसके कुछ मजीद टेस्ट कराना चाहेंगे? थ्रोम्बोफिलिया टेस्टिंग होती है वो बिफोर थ्रोम्बोफिलिया टेस्टिंग अब प्रेगनेंसी। इसमें इंडिकेटेड है, अब इसमें हाँ इंडिकेटेड, जी सॉरी इसमें इस दफा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसमें फर्ज किया अगर ये इसी कंडीशन में आती है और पिछली दफा इसका ये हो चुका होता तो फिर हम थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन करवाते, लेकिन विद जस्ट वन एपिसोड इन द पास्ट हिस्ट्री एंड नाउ शी हैज कम दो एसिम्टोमेटिक, नाउ इसमें थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग बनेगी? मैम आफ्टर डिलीवरीज की हम कराएंगे फिर स्क्रीनिंग।
तो अब क्या करेंगे फिर? मैम अभी तो प्रोफाइलेक्टिक हम स्टार्ट नहीं कर देंगे। हाँ, प्रोफाइलेक्सिस करेंगे, लेकिन उसी उसी की हम बात कर रहे थे ना, कि प्रोफाइलेक्सिस में भी तो एक नॉर्मल डोज होती है, अब एक हाई डोज होती है। मैम नॉर्मल डोज पे हम स्टार्ट करेंगे प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है। एडिशनल जी रिस्क फैक्टर होता तो फिर हाई डोज में चला जाता, जी मीनिंग BMI ज्यादा होता या इसका हाइपरटेंशन होती, तो फिर हम इसको हाई डोज में चले जाते, जो बीडी डोज में आ जाती है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू द थेरापेटिक डोज। ठीक है, लेकिन मैडम ये हो ट्विंस गया। है, मैडम ट्विंस है फिर भी नहीं हाँ, करेंगे ट्विन ट्विन हाई। डेफिनेटली है, लेकिन वो भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन इसमें ये है कि उसमें अगर मोबिलाइजेशन पेशेंट की ठीक हो रही हो तो उसमें वो चीज बाईपास हो सकती है, लेकिन इसमें हमने बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट, नॉट द, अभी कोई करंट इवेंट नहीं है, बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट हम इसको प्रोफाइलेक्सिस एक्सटेंडेड डोज में शुरू कर देंगे। अगर इस दफा भी इसको यही प्रॉब्लम होता है, यानी ये वाला प्रॉब्लम जो है, इसके साथ हम पास्ट हिस्ट्री भी अटैच कर दें, तो फिर ये हाई डोज वाला चला जाएगा, विच इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू थेरापेटिक डोज। ठीक है, क्योंकि जी वो तो इसमें अब हमने थेरापीटिक उसको वैसे भी देना है, अदरवाइज के ये इसको इस दफा ये हो गया। और इसमें फिर मस्ट होगा कि हम इसकी थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग पूरी की पूरी करवाएं। ठीक है, मैडम प्रेगनेंसी में अब अगर कराएंगे ना, फर्स्ट, हाँ जी, प्रेगनेंसी में कराएंगे थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन या बाद में कराएंगे या अभी फौरन अगर जब कराएंगे? प्रेगनेंसी में उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि देखो एंटी थ्रोम्बिन 3 सबसे खतरनाक वाली चीज है, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास जब आया है, तो अब इसमें थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग जो है वो इसकी, अब हम एंटी थ्रोम्बिन 3 के लेवल जो है वो वैसे ही कम हो जाते हैं इन प्रेगनेंसी भी। जो प्रोटीन एस डेफिशिएंसी है या प्रोटीन सी डेफिशिएंसी है, उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें ये है कि इस वक्त उसकी स्वेरिटी को इंडिकेट करने के लिए आप करवा सकते हो, बट डेफिनेटली इट विल बी कंफर्म्ड आफ्टर द प्रेगनेंसी इज ओवर, यानी कम से कम उसके 3 months गुजर जाएं डिलीवरी को, तो फिर उसमें आपने रिकन्फर्म करना होता है, बिकॉज एवरी टाइम शी विल बी नीडिंग इट, एंड एनी टाइम देयर आफ्टर इवन विदाउट एनी प्रेगनेंसी शी कैन हैव दिस एपिसोड। तो वो उसमें काउंसलिंग, उसमें उसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग, ये भी फिर उसमें जरूरी हो जाती है। तो इसलिए जो है वो इसको हम इस वक्त वो करेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया कि पेशेंट हमारे पास प्रेगनेंसी के शुरू में आती, जब अभी बहुत ज्यादा इतनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आई होती, या फिर हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले आती, प्रेगनेंसी से पहले आने का रिवाज जरा कम ही होता है पेशेंट का, पेशेंट अमूमन प्रेगनेंसी में कोई मसला हो तो वो आते हैं, तो उस सूरत में फिर हमारे पास ये एक वो होता है कि हम इसमें उस वक्त इसकी स्क्रीनिंग करवा लें, अडेप्टिंग द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, कि उसमें उसके देखो एक जैसे APLS की स्क्रीनिंग है, APLS की स्क्रीनिंग डेफिनेटली इज अफेक्टेड बाय प्रेगनेंसी, लेकिन पेशेंट हमारे पास पहली दफा आया हो तो हम उसमें करते हैं। अब उसके डेफिनेट कुछ लेवल्स हैं जो हमें बताएंगे कि यस इट इज पॉजिटिव, चाहे वो प्रेगनेंसी के हिसाब से उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन कुछ एब्सोल्यूट लेवल्स टू हाई विल इंडिकेट कि ये इसमें पॉजिटिव है, और एक हाई लेवल का पॉजिटिव आ जाना ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट का मींस दिस पेशेंट विल हैव बैड कैन हैव ऑब्स्टेट्रिक आउटकम, सो यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट देयर एंड देन, वरना तो उसको 12 हफ्ते की रिपीट करते करते आपको और 3 महीने गुजर जाएंगे, एंड द क्रूशियल टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द एंटीकोएगुलेशन विल बी जस्ट पास्ट अवे। तो इसलिए उसकी एक रीडिंग पे ही चीजें स्टार्ट कर दी जाती हैं। ठीक मैडम हमसे एक और बात पूछना था कि हम है, हाँ हाई डोज जो हाई स्टैंडर्ड डोज होता है वो पूछा जा सकता है कि उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, क्योंकि गाइडलाइन में ये नहीं दिया हुआ। नहीं, उसमें तो देखो जैसे ये जो गाइडलाइन में लिखा होता है ना, वो स्टैंडर्ड डोज है, जो मुमन हम 40 मिलीग्राम, आम हम पेशेंट में भी चाहे वो 50 के या 60 है, उसको 40 मिलीग्राम के हिसाब से दे रहे होते हैं। सो देर इज अ डोज रेंज जो कि अमूमन जो थेरापूटिक है वो 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है, जो प्रोफाइलेक्सिस है दैट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो कैलकुलेटिंग ऑन दिस बेस जो इसकी जो होती है प्रोफाइलेक्टिक डोज होती है, दैट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, विच रफली कम्स आउट टू बी 40 मिलीग्राम। और इसमें जो उसके जो है, इसमें जो कैलकुलेशंस दी हुई हैं उसमें बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट है,
के प्रोफाइल एक्सिस में हमने जो बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती है वो कैसे देनी होती है। तो इसमें अमूमन जो लेस देन 50 kg है उसको हम 40 mg देते हैं, ठीक है, और जो बाकी 50 to तकरीबन 70 है उसको फिर 60 mg दिया जाता है। तो ये है जो यूजुअल रफली इसकी बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे बॉडी वेट की रेंज हुई कि 60 से 70 या 40 से 50 है, उस तरह की रेंज में फिर हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन फॉर्मूला एज इट इज थेराप्यूटिक उसके लिए होता है, जो मैम मैं ये बताया आपके ना, बारे में दिख रहा है जी, मैम ये गाइडलाइन में इस तरह मेंशन है कि 50 या 70%। बॉडी वेट के हिसाब से होता है, और हमेशा तो हम हम बॉडी लोग वेट के हिसाब से ही देते हैं। ये जो हेपरिन है, खासतौर पे जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, उसको बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। बल्कि यही नहीं, सिर्फ इसी इसी में ही नहीं, इवन जो हम पेशेंट को फ्लूइड लगाते हैं उसको भी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो फ्लूइड भी, फिर एंटीबायोटिक्स भी, ये सारी की सारी चीजें, कभी एनेस्थीजिया वालों से, अगर एनेस्थीजिया वालों को काम करते देखो तो वो भी बॉडी वेट का पूछ रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव टू कैलकुलेट द डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। एक जो 50 kg का बंदा है या 80 kg का बंदा है, उसकी तो डेफिनेटली डोज कैलकुलेशन ही फर्क होगी। जो 100 kg से ज्यादा का है या जो 150 kg से ज्यादा का है, उसमें डोज ड्यूरेशन, डोज कैलकुलेशन एंड टाइप ऑफ द ड्रग विल बी डिफरेंट। तो इस तरह से बॉडी वेट एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, ठीक है मैडम एक सवाल पूछना था। इसमें लिखा होता है जी कि हम जी प्री हाँ जी, पूछा प्री प्रेगनेंसी वेट ऊंचा के हिसाब बिना से, ऊंचा बोले बेटा। मैडम हमेशा प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया हाँ जी जाता है जो बिल्कुल, डोज। या अर्ली प्रेगनेंसी जिसमें बॉडी वेट अभी बढ़ा नहीं हुआ होता, वरना तो वेरिएशन आ जाती है ना बॉडी वेट पे, टेम्परेरीली वेरिएशन, इसी वजह से प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट का पूछा जाता है, क्योंकि उस पे आप डोज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वही है उसका जो एक्चुअल बॉडी वेट है, बाकी तो सारी प्लाज्मा फ्लूइड एक्सपेंशन है, मैडम हमारे पास तो अक्सर इसी वजह ओबेसिटी से वेट का उसका पेशेंट का बढ़ रहा होता है, कैलकुलेट करें, ठीक हमारे है। पास अक्सर और पेशतर अक्सर हमारे पास पेशेंट नहीं आए होते, और अक्सर और पेशतर उनको नहीं भी पता होता, लेकिन हो सकता है उनको ये पता हो कि आपने कितना किलो वेट आपका अभी प्रेगनेंसी में बढ़ा है, ये इतना अमूमन उनको अंदाजा होता है कि इतने किलो बढ़ गए, बिकॉज दे कीप एन आई ऑन द वेट इफ दे आर विजिटिंग सम एंटीनेटल क्लिनिक रेगुलरली, तो उनको पता होता है, या कार्ड से हमें पता चल जाता है, या उसका जो पेशेंट जो अर्ली प्रेगनेंसी में भी इवन जो फर्स्ट ट्रेमेस्टर का वेट है वो भी इक्वली वैलिड है, सही। ठीक है। ठीक है मैम, अच्छा, अब थैंक यू। इसमें ये हो गया। अब इसमें और सिनेरियो है कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आ गई, फैमिली हिस्ट्री है थ्रोम्बोफिलिया की, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया की, तो उसमें पेशेंट इज अ प्राइमी ग्रेविडा विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोफिलिया, फेमिलियल थ्रोम्बोफिलिया है, मदर को था, सिस्टर को था। उसमें क्या करेंगे, प्राइमी ग्रेविडा आई है आपके पास 16 वीक्स पे, हाँ जी, व्हाट विल बी द स्क्रीनिंग मेथड्स एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। वैसे बाय द वे, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग आप किस किस चीज की करते हो, मैम इसमें सी एस उसमें के जब हमने डिफिशिएंसी। टेस्ट करवाना है इफ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि पेशेंट के टू फैमिली मेंबर्स हैड दिस वीटीई, और उसमें जो है वो उसमें उसमें पेशेंट इज हर सेल्फ इन नाउ एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग दिस थ्रोम्बोफिलिया, तो हाउ यू विल स्क्रीन इट, व्हाट आर द प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी डन, और उसमें से किसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मैम इस पे हम ठीक फैक्टर 5 लेडन करवाते हैं, प्रोथ्रम्बिन है, जी हाँ 3 करवाते हैं, प्रोटीन सी और एस करवाते हैं ठीक है ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एक और भी है जी, मैं सबसे एंटी इम्पोर्टेंट, थ्रोम्बिन थ्री एंटी एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन थ्री थ्री की सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है। तो एंटी थ्रोम्बिन थ्री फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो पेशेंट डेफिनेटली नीड एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल प्रोफाइलेक्सिस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी आपने देना है, और बाद में भी 6 हफ्ते देना है। अगर उसमें ये आ जाता है, ये जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, जहां पे बाकी फैक्टर एस या फैक्टर सी है
और फैक्टर 5 जो है, प्रोटीन सी एंड एस और फैक्टर 5, उसमें भी हम उसका इन एडिशन विद द अदर रिस्क फैक्टर्स हम उसमें उसका प्रोफाइलेक्सिस डिसाइड करते हैं, बट दिस वन NT-thrombin-3 डेफिशिएंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, तो हम उसके हिसाब से उसका प्रोफाइलेक्सिस डिसाइड करेंगे। सपोज अ पेशेंट कम्स टू यू विद डायलेटेड वेरिकोज वेन्स, जो ज्यादा एक कॉमन सिनेरियो होता है, मतलब बहुत ज्यादा, और ये बार दफा इतनी होती है कि पूल ऑफ वेसल्स आर सो अपेरेंट पूरे काफ मसल्स में, इवन इन द थाई। अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है विद अ सिंगल प्रेगनेंसी एट सपोज 24-25 वीक्स, मैम, अगर तो उसको इसमें क्या हम रिस्क, करेंगे? मैम इसमें हम अदर रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, अगर कोई और प्रेजेंट नहीं सपोज होगा तो देर फिर इज नो हम अदर रिस्क फैक्टर, कोई और रिस्क फैक्टर उसका नहीं है, फिर इसको बट शी सेज दैट विदाउट प्रेग्नेंसी भी ये वेरिकोस वेन थी अब ज्यादा बढ़ गई है। बार मैम दफा इसमें वल्वल हम वेरिकोसिटीज इतनी ज्यादा होती हैं। मैडम 28 वीक से करेंगे प्रोफाइलेक्सिस। मैम इसमें हम और रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम इसमें खाली कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स और मोबिलाइजेशन और हाइड्रेशन एडवाइस करेंगे। और ऐसे पेशेंट में अगर ये जरा जल्दी आ जाती है तो लोप्रिन भी दे देना चाहिए, ओरल लोप्रिन, ठीक है? इसमें क्योंकि अगर और कोई रिस्क फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है तो फिर तो हम इसको 28 वीक से वो लेके हम आगे उसको प्रोफाइलेक्सिस पे डाल देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको खाली लोप्रिन भी काफी होगी अगर ये हमारे पास पहले आ जाती है। समटाइम्स अगर जो हम इसमें देते हैं, जो थेरेपी देते हैं फॉर द वेरिकोस वेन, जो बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेशन और ये सारा कुछ तो चलता है, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको लेग एलिवेशंस का भी बताते हैं, मतलब मोबिलाइजेशन तो उसकी हो रही होती है लेकिन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को उसने अवॉइड करना है टू प्रिवेंट द पूलिंग ऑफ ब्लड इन दिस, बिकॉज इनहेरेंटली द वेन्स आर डेफिशिएंट, इनहेरेंटली जो उसके वेन्स के जो वेल्व्स हैं वो डेफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो है वो हम मतलब ये जो वेरिकोस वेन्स वाली हैं उसमें हम बार दफा अगर आपने डेफलॉन टेबलेट्स कभी यूज की हों जो कि बेसिकली वेनस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, दैट इज अनदर हीमोस्टेटिक एजेंट बेसिकली, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है फॉर द हेमरॉइड्स विच इज अगेन अ बंच ऑफ द डायलेटेड वेसल्स, और जो वेरिकोस वेन्स में भी एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, तो वो जो है वो फिर हम उसमें यूज कर सकते हैं। और ये बल्कि बार दफा तो मैंने ये भी देखा है जो हिमेटोलॉजिस्ट होते हैं कि वो यूज करते हैं ये डेफलॉन अलोंग विद द ये जो लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबीटी, तो वो भी जो है उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि 80-85% डीबीटी तो होती ही वेन्स में है, आर्टीरियल तो बहुत, वो तो ऑलमोस्ट फिर वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, तो इसलिए उसका भी एक रेंडमली उसका एक यूज इसमें एडवोकेट किया जाता है इन सम केसेस, वो केस टू केस फिर वेरी करता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए, अब इसमें कोई और क्वेश्चन तो प्रोबेबली नहीं, कोई मैम कॉर्नर अगर फैमिली हिस्ट्री एक्स्ट्रा का, है। मैम जी फैमिली हिस्ट्री मैम, कह रही थी वो बता दें, फैमिली हिस्ट्री अगर होती है थ्रोम्बोफिलिया की वो हाँ बता जी, दें उसका। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो देखो फिर पेशेंट को भी, जैसे मैंने बताया कि मदर भी है, सिस्टर भी है, और फैमिलियल ये है जो फैमिली के कुछ और मेंबर्स को भी है जो आउट ऑफ प्रेगनेंसी भी हुआ, तो ऐसे पेशेंट में फिर फैमिलियल यानी इनहेरिट होने के चांसेस होते हैं थ्रोम्बोफिलिया के, तो इवन इसमें विदाउट प्रेगनेंसी भी पेशेंट अगर कभी आती है आपके पास फॉर एनी अदर रीजन तो उसमें थ्रोम्बोफिलिया की स्क्रीनिंग, अदरवाइज जो प्रेगनेंसी के अगर शुरू में भी आ जाए तो भी उसमें थ्रोम्बोफिलिया की स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि अगेन चाहे वो उससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस से उसकी लेवल्स में फर्क आ सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट लेवल्स हैं माइल्डली, अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है तो उसको शायद हम इतना बॉदर ना करें, लेकिन जो ग्रॉसली ग्रॉस डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी सिग्निफिकेंट इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये जो है ये फिर कंक्लूजन उसकी हो जाएगी कि यस शी आल्सो हैज दिस प्रॉब्लम। मैडम नेक्स्ट टाइम लेप्रोस्कोपी कर ले, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ सिनेरियो में लाऊंगी। लेप्रोस्कोपी, यस मैडम, लेप्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी में वैसे ऐसी क्या चीज है खास? मैडम मैं सिनेरियो लेके आ जाऊंगी।
नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि लेप्रोस्कोपी में मेरा ख्याल है समझने वाली तो कोई ऐसी चीज नहीं है। मैडम इसमें एक हाँ सिनेरियोज आते हैं, पेशेंट है, क्या, पेशेंट है मैडम, इसमें सिनेरियोज आते हैं, एक पेशेंट है, उसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, आपके पास अच्छा आती है, हाउ विल यू हाँ इवेलुएट इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर, और मैडम उसके अच्छा ऑपरेटिव भी पूछते हैं मैडम, डायग्नोस्टिक भी हाँ पूछते हैं, वो पूरी एक की इसकी जो MRCUG3 की बनी होती है वो उनको चाहिए होती है, हाँ तो मैडम अच्छा, इसमें यानी थोड़ा उसमें फिर सा लेप्रोस्कोपी का भी रोल पूछेंगे तो यस मैडम, और वो मल्टीपल्स। डाल के दिखाओ मैडम, एक डायग्राम बनी होती है, कहते हैं इस पे आप डाल हाँ के दिखाओ, और फिर वो उसका अच्छा लेप्रोस्कोपी का पूछते हैं वाई वाले के चलते हैं। MRCUG3 का मैडम स्टेशन है, और ये हमारे एग्जाम में भी आया था, तो इस पे मैडम अच्छा, उस, मतलब ये वो था बेसिकली स्किल डेमोन्स्ट्रेशन वाली है, वही हाँ चीज है मैडम ना, स्किल जिसमें स्किल स्किल भी, डेमोन्स्ट्रेशन आपने करनी है और उसकी जो डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इट्स यस इंसर्शन, ये मैडम, वो सारी चीजें, यही यस मैडम चीजें यही हैं ना। करना, यस मैम यही चलो करना, ठीक है ठीक है। ठीक है, जी थैंक यू। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था कि जी अगर बताइए। जितना ये सिंगलटन प्रेग्नेंसी होती है, अगर इसकी जैसे ये तो ट्विंस था ना, तो हमें था कि चले 36-37 वीक्स पे ले जाएंगे मैडम, अगर सिंगलटन हाँ प्रेगनेंसी के साथ आती फिर हम उसको 38 वीक्स तक लेके जाते हैं या प्रोसीड करते 40 वीक्स देखो, तक? उसमें जो सिंगल प्रेग्नेंसी है और जिसमें फिर उसको 38 पे क्यों करोगे, उसमें और तो कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, और अगर एंटी कोएगुलेशन आप दे ही रहे हो तो उसमें भी 38 पे टर्मिनेट करने की क्या इंडिकेशन है, क्योंकि ट्विंस में तो हम कहते हैं कि 2 वीक्स इन एडवांस चल रही होती है उसकी लंग मेच्योरिटी भी, 37 का मतलब है 39 वीक्स, तो सिंगल में तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन ही डिसाइड करना पड़ता है, इफ देयर इज नो अदर इंडिकेशन तो फिर इसको 39 वीक्स पे ही करो, अर्लीएस्ट 39 वीक्स पे, अनलेस के इसका कोई और प्रॉब्लम, अनलेस के कोई और प्रॉब्लम, तो मैडम 41 वीक्स पे भी केसेस लेके जा इवन यू सकते कैन हैं, गो टिल 40 वीक्स, व्हाई नॉट, जा सकते हैं, जिस तरह मैडम लेकिन जो नॉर्मल भी पेशेंट करते एक हैं। प्रॉब्लम के साथ है और उसमें एक मेडिकल प्रॉब्लम तो हुआ ना, उसका डीवीटी है, उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है वो उसकी बेसिकली जो प्लेसेंटल सफिशियंसी या जो फीटल डेवलपमेंट है उसको तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, तो अगर वो नहीं कर रही तो यू कैन गो टिल 39 to 40 वीक्स, इफ नॉट देन यू कैन डिसाइड अर्लियर एज पर केस, उस केस के मुताबिक सारा कुछ ठीक चल रहा है तो फिर चलता रहे, ठीक है। और दूसरी चीज उसमें ये होती है कि शेड्यूल्ड आपने डिलीवरी करनी है, अब उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा टू कंसीडर कि आपने थेराप्यूटिक डोज आपकी चल रही है, आपने उसमें प्लान डिलीवरी करनी है, तो फिर 39 के बाद तो वैसे ही चांसेस ऑफ गोइंग इन टू स्पॉन्टेनियस लेबर बढ़ जाते हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन और उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए आप 39 वीक्स में फिर इंडक्शन कर दोगे, तो प्लान डिलीवरी विल बी एट 39 वीक्स। अगर फर्ज किया हमने प्लान नहीं आई ये प्रोफाइलेक्सिस पे हो तो, या फिर ये अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे हो, तो फिर उस सूरत में यू कैन वेट फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर, लेकिन थेराप्यूटिक एंटीकोएगुलेशन पे प्लान डिलीवरी इज बेस्ट, उसकी कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए, और जैसे जैसे आप टर्म के करीब जाते हैं चांसेस ऑफ गोइंग इन टू लेबर आर मोर, सो प्लान द डिलीवरी एट 39 वीक्स और इवन अर्लियर इन सम केसेस, यानी पेशेंट को ऑफ एंड ऑन कहती है मुझे कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं या बार दफा होते हैं सिम्टम्स पेशेंट के ऐसे, तो वहां पे आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो इवन अर्लियर इवन एट 38 वीक्स भी, ठीक है। और मैडम दूसरी बात ये पूछनी थी, पोस्ट मतलब अगर 3 मंथ्स इसको दे दिए है, तो फिर इसको जो पोस्ट पार्टम देंगे वो प्रोफिलेक्टिक देंगे या थेरेप्यूटिक देंगे? नहीं देखो, वंस द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी इज ओवर, आप 1 हफ्ते तक थेरापी, जिसको थेराप्यूटिक आपने दी है ना, वो थेराप्यूटिक आप 1 हफ्ते तक डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू करोगे, एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू द प्रोफाइलेक्सिस इन द विद द सेम रेजीम, यानी विद द सेम ड्रग, या फिर इवन यू कैन स्विच ऑन टू द ओरल वॉरफेरिन, ब्रेस्ट फीडिंग में तो इनमें से कोई भी मसला नहीं करता, ये ब्रेस्ट फीडिंग का भी बार दफा कुछ लोगों को इश्यू होता है कि बच्चे में ड्रग जाएगी तो उसमें कोई हैमरेज का रिस्क, ऐसा नहीं है, ना ही लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ना ही हेपरिन के साथ, ना ही मेरिवेन के साथ, यानी जो वॉरफेरिन है उसके साथ, तो उसमें ये दे सकते, ठीक है। चलें जी, बस अब फिर क्लास खत्म करें।
आई होप हम इसको हमने कवर कर लिया, इसमें कोई और क्वेरी थैंक यू रह नहीं मैडम, गई। थैंक लेकिन यू। ये थोड़ा सा इसका प्रोफाइलेक्सिस या जो ट्रीटमेंट होती है ये थोड़ी सी जरा चलती है, लेकिन अगर आप बेसिक प्रिंसिपल समझ लो तो फिर इसमें कुछ करना ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है मैडम, जी। मैडम आपने एक थेराप्यूटिक डोज ऑफ अनफ्रेक्शनेटेड हेपरिन बताई थी, जो एक्टिव उसमें मैनेजमेंट करनी थी, वो आपने 35,000 to 45,000 थर्टी बताई फाइव थी। टू 40,000 यूनिट्स पर डे इन 24 आवर्स। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये इसकी है जो एक हफ्ता चलेगी, फिर आप उसको प्रोफाइलेक्टिक पे डाल दो। ठीक ठीक है। है।